हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। हम लोग PSIR ऑप्शनल के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज़ यूनिट वन। यूनिट वन का टॉपिक है रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस है यूनिट वन। अब इसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं और मीनिंग में आप क्या क्या पढ़ोगे, तो वो चीज़ थोड़ी सी स्केप्टिकल रहती है, वो जानना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आपको पता लग जाता है कि मीनिंग में भी UPSC क्या क्या पूछ रहा है या अप्रोचेज़ में UPSC कौन कौन सी अप्रोचेस पूछ रहा है। ठीक है, उससे हमें ये पता लगता है कि हमें अपनी प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम की या फिर जो भी हमें टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं वो कौन से टॉपिक्स के अराउंड हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है, कौन से टॉपिक्स की वेटेज थोड़ी कम है जिसको हम एंड में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। अब रीसर्जेंस पर भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो 2019 का ये क्वेश्चन था, आप यहाँ पर देख सकते हो, कमेंट रीसर्जेंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, अशोक आचार्य की और राजीव भार्गव की बुक में आपको ये मिल जाएगा। तो बेसिकली आप राजीव भार्गव की अगर बुक उठाओगे तो उसमें आपको रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर पूरा आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। इनफैक्ट डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी भी राजीव भार्गव की बुक में से आपको मिल जाएगा। तो ये बुक्स अच्छी हैं अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो। बट एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हो और आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सा आपको ध्यान से करनी पड़ेगी, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आसान नहीं है। टाइम कंस्ट्रेंट ज़रूर रहता है, प्रिपेयर करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की। तो अब रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कैसे हुआ था, तो यहाँ पर क्या था कि जो ट्रेडिशन है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसको माना जाता है कि ये एक सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस की। अब पॉलिटिकल थ्योरी को एज अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो एक्सेप्ट कर ही लिया गया था, बट स्टिल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो क्रिटिसिज्म का एक सब्जेक्ट बना रहा था, अप्रेजल का सब्जेक्ट बना रहा था। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन है डिसिप्लिन की, उसमें आप देखोगे तो क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, अप्रेजल भी मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी को इसी कंटेक्स्ट में देखा जा रहा था। अब ये काफ़ी बार डिबेट किया जाता है, एक टॉपिक रहता है हमेशा डिबेट का कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के टाइम में, कि जो ग्रेट ट्रेडिशन है जो कि मास्टर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ एसोसिएटेड रहा है इतने टाइम से, वो जो है वो बंद होने लगा है, क्लोज्ड होने लगा है। बट ये सच नहीं है। ठीक है, तभी रीसर्जेंस आया था पॉलिटिकल थ्योरी का। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम देखते हैं एक पेरीफेरी की बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, या रेलेवेंस स्कोप एरिया जो है पॉलिटिकल थ्योरी के स्टडी का, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पर्सपेक्टिव जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी भी वैसे ही चेंज होती जा रही है। तो पॉलिटिकल थ्योरी पुराने टाइम में अगर आप देखोगे तो उसमें प्रैक्टिकल और फिलोसफिकल लेवल पर चल रही थी, बट अब धीरे धीरे क्या होता है कि नए टॉपिक्स आ गए हैं, नए इश्यूज़ आ गए हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो चेंज हो गई है। तो प्रेजेंट तो डेफिनेटली है, ये बात तो डेफिनेट है कि पॉलिटिकल थ्योरी ख़त्म तो नहीं हुई है। ठीक है, डिक्लाइन ज़रूर हो रही थी बट ख़त्म नहीं हुई है, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ नॉट डेड। तो रीसर्जेंस हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का एक नए कंटेक्स में, नए इश्यूज़ के साथ। जैसे कि कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी जो है अब कुछ ऐसे इश्यूज़ पर कंसंट्रेट कर रही है, जैसे कि फेमिनिज्म है, अपॉर्चुनिटिज्म है, सिनिसिज्म्स हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, एनवायरमेंटलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, फंडामेंटलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मेथडोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ये सब जो है इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी का फॉर्म चेंज कर दिया एक तरीके से। पॉलिटिकल थ्योरी पहले के टाइम पर क्या थी, सिर्फ हिस्ट्री पर रिलाई कर रही थी, हिस्टोरिकल डेटा पर रिलाई कर रही थी। तो हिस्टोरिसिज्म पे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हिस्टोरिसिज्म पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। बट रीसेंट डेवलपमेंट जो हुई हैं उनके हिसाब से, जैसे रीसेंट डेवलपमेंट है कंसेप्चुअल हिस्ट्री जो है, उसमें एक क्लोज रिलेशनशिप प्रूव हुआ है हिस्टोरिकल कंटेम्प्रेरी थ्योरी में। तो दोनों का अगर हम मिला देते हैं तो उससे क्या, नई तरीके के इशूज़ आ गए, नई तरीके की पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है अब। तो अप्लाइड पॉलिटिकल थ्योरी में अगर देखा जाए तो एक मेजर शिफ्ट देखा गया है, इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन से अब शिफ्ट हो गया है एनालिसिस ऑफ इश्यूज इन पब्लिक पॉलिसी, जैसे कि वेलफेयर प्रोविजन आ गया, अब सेक्सुअल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज आ गए हैं। सो इन स्कॉलर्स के हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी डेड तो डेफिनेटली नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स काफ़ी अच्छी खासी फ्लरिश की है, डेवलप की है, बट ज़्यादा फ्रेगमेंटेड भी हो गई है अलग अलग जगहों में, मतलब टूट सी गई है, फ्रेगमेंटेड भी हो गई है। तो जो क्लासिकल स्टडी है क्लासिक टेक्स्ट का, वो रिप्लेस हो गए हैं किस चीज़ से, अब आ गए हैं नैरोली हिस्टोरिकल अप्रोच ज़्यादा आ गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, टेक्स्ट को आप पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में लोकेट करते हो। ठीक है,
जितने भी टेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे, हिस्टोरिकल अप्रोच हम लोग पढ़ रहे थे, अब उनको हम लोग या क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ रहे थे उनको हम लोग पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमें जितने भी आपके नॉर्म्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, किसी भी पॉलिटिकल एक्शन का ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब का सबको एनालाइज करके एक्सप्लेन करने की बात करती है। अब बात करते हैं पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, इस टाइम पर क्या था। तो 1950s का ये टाइम होता है जब पॉलिटिकल थ्योरी के डेवलपमेंट में कुछ नई डायरेक्शंस विटनेस की जाती हैं, देखी जाती हैं, और ये ऑब्जर्व किया जाता है कि वॉर जो है वो पुराने पॉलिटिकल थ्योरी के कंसेप्ट और नए पॉलिटिकल थ्योरी के कंसेप्ट, इन दोनों टाइप्स के कंसेप्ट के बीच में एक सेपरेट लाइन की तरह सर्व करता है, यहाँ पर आ जाता है वॉर। ठीक है, ओल्ड और न्यू कंसेप्ट के बीच में एक सेपरेट लाइन आ गई वॉर की। तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं यूरोप के जिन्होंने अमेरिका में माइग्रेट किया और बहुत सारे बहुत ही सीरियस रिसर्च वर्क में भी लग गए थे पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर, पढ़ने लगे लोग, और उनका जो इंटरेस्ट था वो एक ट्रेडिशनल वे में पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने का तो बिल्कुल नहीं था। तो जिससे क्या होता है, फाइनली एक नए तरीके से हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ें उस चीज़ का एक फाउंडेशन ले हो गया था। तो न्यू वे ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का फाउंडेशन यहाँ पर बनता है, जिसको हम कहते हैं रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब जो रीसर्जेंस होती है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसका क्या मतलब होता है कि जितने भी नॉर्मेटिव या वैल्यू बेस्ड, मतलब कि फिलोसफिकल पॉलिटिकल थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस में, उसका रिवाइवल हो गया। नॉर्मेटिव थ्योरी क्या थी, बेसिकली जो वैल्यू बेस्ड थ्योरी थी जिसमें फिलोसफी आती थी या जिसमें एथिक्स आता था, जिसमें मॉरल वैल्यूज़ आती थी, तो इन ये जो नॉर्मेटिव थ्योरी थी इसका रिवाइवल देखा गया था पॉलिटिकल साइंस में। तो मेजर जो मेन रिसर्जेंस आया था वो यूनाइटेड स्टेट्स में देखा गया था, जहाँ पर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बहुत सारे रिसर्चर्स थे, वो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में गैदर हुए थे और काफ़ी एफर्ट उन्होंने लगाया था ताकि इम्पेरिकल अप्रोच जो है जिससे हम पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करते हैं उसको हम एनरिच करें, जिसके और पॉलिटिकल थ्योरी का रिसर्जेंस हो जाए। इम्पेरिकल थ्योरी ऑन दी अदर हैंड, अनलाइक नॉर्मेटिव थ्योरी, इम्पेरिकल अप्रोच किस पर फोकस करती है, फैक्ट्स पर, डेटा पर, साइंटिफिक अप्रोच पर बेसिकली चलते हैं यहाँ, साइंटिफिक अप्रोच। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। टू कंक्लूड दिस, हम ये कह सकते हैं कि 19th और 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक आते आते जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल थ्योरी थी, मतलब कि नॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया फिलोसफिकल बेस्ड, तो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल थ्योरी थी वो तो रिवाइव हो ही गई थी, जिससे हम ये पता लगता है कि अब पॉलिटिकल थ्योरी का रिसर्जेंस तो हो ही गया था, जो कि बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिनकी राइटिंग्स में हमें पता लगता है, जैसे कि लियो स्ट्रॉस है, ईसा बर्लिन है, हैना अरेंट है, लियो स्ट्रॉस अगेन, देन माइकल ओकशॉट, देन जोविनाल है, शेल्डन वॉलन है, जॉन रॉल्स, इन सब थिंकर्स के राइटिंग्स में आपको पता लगता है कि पॉलिटिकल थ्योरी का रिसर्जेंस हो गया। अब हम लोग कुछ ऐसे थिंकर्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ही आता है तो उसमें आपको कुछ थिंकर्स के व्यूज़ आपको पता होने चाहिए, वो आप ऐड करोगे अपने आंसर में टू मेक दी आंसर मोर इफेक्टिव, इम्पैक्टफुल, और थोड़ा सा एनरिच हो जाता है आपका आंसर। तो रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे कौन कौन से थिंकर्स ने काम किया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो लियो स्ट्रॉस का व्यू क्या है रिसर्जेंस पर। सो बेसिकली लियो स्ट्रॉस जो थे वो एक जर्मन बॉर्न अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, क्लासिसिस्ट थे, जिन्होंने क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में स्पेशलाइजेशन की थी। तो लियो स्ट्रॉस जो है वो पॉलिटिकल फिलोसफी के टर्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन यूजिंग पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि उनके लिए जो ग्रोथ है डेमोक्रेसी की, लिबरल डेमोक्रेसी की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बेसिकली जो पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन है उसके ऑपोजिट जाती है, और वो ये मानते थे कि पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है उसको वो अलग अलग काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट के कंटेक्स्ट में देखते थे। तो बेसिकली उनके व्यूज़ क्या थे पॉलिटिकल थ्योरी में, उसमें हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने ट्रेडिशनल या फिर नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी की इम्पॉर्टेंस पर ज़्यादा फोकस किया था। वो क्यों, क्योंकि आप जैसे कि मैंने आपको बताया वो क्लासिसिस्ट थे, ठीक है, तो सिंस ही वॉज अ ही फोकस्ड ऑन क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, उनकी स्पेशलाइजेशन इसमें थी, क्लासिसिस्ट थे, जिसकी वजह से वो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी की को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो ये सोचते थे कि मॉडर्न डे प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है तो उसमें नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प कर सकती है, वही डील कर सकती है इन प्रॉब्लम से। तो उनके हिसाब से जो पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो दोनों ही आइडेंटिकल हैं,
तो ये जो ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, उन्होंने भी यही सेम पॉलिटिकल इश्यूज इवैल्यूएट किया था, कि जब भी वो पॉलिटिकल साइंस के डिस्कशन के बारे में बात करते हैं, ये सेम चीज़ उन्होंने इवैल्यूएट किया था। तो एरिस्टोटल ने भी ये डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वही प्रिंसिपल है जस्टिस का, ठीक है। तो जस्टिस जो है और पॉलिटिकल एक्टिविटी वो भी एक तरीके से आइडेंटिकल है, सिनोनिमली चलते हैं। तो प्रैक्टिकल मैटर्स में वो ये कहते हैं कि जो प्रूडेंस की ऑटोनमी है या फिर पॉलिटिकल एक्शन है, ये एसेंशियली एथिकल होना ज़रूरी है। तो पॉलिटिक्स को एथिक्स से जोड़ा जा रहा है, नॉर्मेटिव एसेंस से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जो लियो स्ट्रॉस हैं वो बेसिकली नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के आसपास बात करेंगे, ये आप ध्यान में रखना। अब उन्होंने जो रियल एसेंस था क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का, उसको रिवाइव किया था। क्यों? क्योंकि लियो स्ट्रॉस ये कहते थे कि जो नर्व है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की, उसको रीआर्टिकुलेट करने के बारे में यहाँ पर बात की, कि हम लोग क्लासिक कंटेंशन से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ द मोस्ट नेचुरल ह्यूमन सोसाइटी इज़ नॉट लार्ज, जो कि नेचुरल ह्यूमन सोसाइटी है, कोई लार्ज ह्यूमन सोसाइटी नहीं है, अनोनिमस नहीं है एंड ओपन नहीं है, बल्कि ये स्मॉल है जो नेचुरल ह्यूमन सोसाइटी, और क्लोज्ड है पॉलिस, जिसको हम सिटी भी कहते हैं, उसको हम इस टर्म्स में समझते हैं कि एक कंप्लीट एसोसिएशन है जो कि नेचुरल रेंज ऑफ मैंस पावर ऑफ नोइंग एंड लविंग से कॉरस्पॉन्ड कर रही है डायरेक्टली, ठीक है। अब अगर हम इंडिपेंडेंट सिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि एसेंशली ग्रीक नहीं है और ग्रेको रोमन भी नहीं है, तो हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सिटी कोई भी रैंडम हम लेते हैं, तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा चांस रहता है कि एक सब्सटैंशियल पोर्शन जो है उसके मेंबर्स के, कि मेंबर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें और एक फ्रेटर्नल स्पिरिट हो उनके अंदर, स्पिरिचुअली एनलार्जिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लोग शेयर करें और अपने आप से आगे बढ़ के बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ताकि वो कलेक्टिव डेस्टिनी जो है अपनी शेप कर पाएँ, एज रूलर शेप कर पाएँ, एज रूल्ड सिटीजन शेप कर पाएँ। तो यहाँ पर वही एक फिलोसफिकल टर्म्स में बात हो रही है, एक एथिकल टर्म्स में बात हो रही है, कि हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप एक कोई भी इंडिपेंडेंट सिटी लेते हो, तो उसमें काफ़ी अच्छा चांस रहता है कि मेंबर्स जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएंगे, और चाहे एज रूलर्स हो या फिर एक रूल सिटीजन की तरह, और अपना डेस्टिनी खुद शेप करते हैं बेसिकली। तो स्ट्रॉस इसको पूरे चीज़ को सम अप करते हैं, द यूनिफाइंग कोर ऑफ द मॉडर्न प्रोजेक्ट एज द सेक्यूलर मूवमेंट की तरह ये सम अप करते हैं लियो स्ट्रॉस के, जिसमें कोई भी आइडियल है उसको उसका एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो लियो स्ट्रॉस बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि मॉडर्न आइडियलिज्म जो है, और या फिर रियलिज्म की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों ही ना एक ट्विन ऑर्बिट्स में एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, तो ह्यूमैनिटी जो है उसको हमें इस तरीके से कंसीव नहीं करना चाहिए कि हमारी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा करती है, हमारा जो सोल है उसको पूरा करती है। तो उस चीज़ में, उस पर्सपेक्टिव से अब हमें ह्यूमैनिटी को नहीं देखना चाहिए। इनफैक्ट बिहेवियरिज्म पर भी स्ट्रॉस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे, वो बिहेवियरिस्ट स्टेटमेंट को ऑफ कोर्स अपोज करते हैं। बिहेवियरिज्म फेल भी इसी वजह से हुआ था, तो लियो स्ट्रॉस की बात जो है वो कहीं ना कहीं वो प्रूव करते हैं, बिकॉज बिहेवियरिस्ट जो है उन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी को पॉलिटिकल साइंस से पूरा का पूरा सेपरेट ही कर दिया था उन। तो लियो स्ट्रॉस के हिसाब से बिहेवियरिज्म जो है वो पॉजिटिविज्म की जितना ही हार्मफुल है, क्योंकि बिहेवियरिज्म जो है वो भी नॉलेज डिनाई करती है फाइनल रूल्स की। और इसी कंटेक्स्ट में जब हमें टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन का राइज देखा गया, तो हिसाब से हम देखते हैं कि बिहेवियरिज्म जो है वो हेल्पलेस भी है और इनकेपेबल भी है, क्योंकि वो राइट और रॉन्ग के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन कर ही नहीं सकती है। अब टू कंक्लूड दिस, हम सिंपलर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसको एक अनब्रेकेबल लिंक मिला था विद द थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, और लियो स्ट्रॉस के हिसाब से पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी आइडेंटिकल ही है। तो यहाँ पर आप ऑल इन ऑल जब भी आप लियो स्ट्रॉस के बारे में बात करोगे, आप नॉर्मेटिव थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करोगे, और क्रिटिसाइज करने के लिए आपके पास बिहेवियरिज्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आइसा बर्लिन का क्या व्यूज़ हैं रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पर। अब आइसा बर्लिन भी हैं एक ब्रिटिश सोशल एंड पॉलिटिकल थियोरिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, और उनका एक आर्टिकल था डस पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्ट, उसमें उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हम पॉलिटिकल फिलॉसफी की सेंस में भी लेते हैं, तो ना ही वो अभी डेड है और ना ही वो डिक्लाइन की स्टेट में है। तो बर्लिन ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कभी भी
दुनिया से ख़त्म हो ही नहीं सकती है, डिमिनिश तो पूरी तरीके से हो ही नहीं सकती है। अगर एक फॉर्म में डिक्लाइन करने लगी है तो दूसरी फॉर्म में वो राइज भी करेगी, बट डिमिनिश नहीं हो सकती है। तो बर्लिन के हिसाब से अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी का जो डिक्लाइन हुआ था तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस चीज़ की वजह से डिक्लाइन हुआ था, तो यहाँ पर एम्पिरिसिस्ट की रैंक पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्लासिकल ट्रेडिशन को पूरा का पूरा डिस्प्लेस ही कर दिया था। वहाँ पर नॉर्मेटिव की कोई जगह ही नहीं थी, जिस वजह से पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन होने लगी। तो जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से इंसान ने एक किसी ना किसी तरीके की अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश तो की ही है और एक्सेप्ट भी किया है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक काफ़ी क्रूशल इशू था पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का, उससे ही अराइज की है। और बर्लिन ये भी मानते हैं कि सिंस कुछ पोर्शन था पॉलिटिकल थ्योरी का, उसका ज़रूर हो सकता है कि रेलेवेंस ख़त्म हो गया हो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही रेलेवेंट हो गया। कुछ पोर्शन की रेलेवेंस जा सकती है पर पूरा सब्जेक्ट रेलेवेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, जॉन रॉल्स के भी कुछ स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं पॉलिटिकल रिसर्जेंस पे। तो जॉन रॉल्स भी एक अमेरिकन मॉरल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर है लिबरल ट्रेडिशन के, और सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में उनके काफ़ी वर्क्स काफ़ी रिकॉग्नाइज हुए थे। और उनको उनका एक वर्क है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इन 1971, उसके लिए उनको जाना भी जाता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका रिवाइवल हुआ था जॉन रॉल्स की मॉन्यूमेंटल क्लासिक्स में, हमें देखा जाता है ये कि उनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस था उन्होंने बेसिकली डेविड ईस्टन का जो बिहेवियरलिज्म अप्रोच था उसे थोड़ा सा अपोज करते हैं, क्योंकि उनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस था उसको उन्होंने कैसे एनरिच किया था, और कि उन्होंने जॉन लॉक की जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट था और जो कांट्स का थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म था उसको अडॉप्ट करके अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को जॉन रॉल्स ने एनरिच किया था। ठीक है, तो बेसिकली जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि जस्टिस जो है वो पहला सोशल इंस्टीट्यूशन का वर्च्यू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रूथ है इनके सिस्टम ऑफ थॉट में, इसीलिए जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। कि उन्होंने एक वर्किंग बेसिस को इवॉल्व करने की बात की कि हमें एक सोशल कोऑपरेशन बनाना चाहिए एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, और उन्होंने ये लिबर्टीज़, अपॉर्चुनिटीज़, इनकम, वेल्थ और बेसिस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की है कि हम लोग लिबर्टीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, या इक्वालिटी ऑफ इनकम या इक्वालिटी ऑफ वेल्थ या सेल्फ रिस्पेक्ट का बेसिस कैसा होना चाहिए, उसमें क्या हो रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, खुद को एंगेज किया इस पूरी प्रॉब्लम्स में ताकि एक वर्किंग बेसिस निकाला जा सके कि हम ये लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक सोशल कोऑपरेशन में कैसे काम कर सकते हैं। तो रॉल्स बेसिकली एम्पिरिकल थ्योरी पर ये एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि जो एम्पिरिकल थ्योरी है वो पॉलिटिकल थ्योरी के सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती है। ठीक है, और यहाँ पर ये बात की है कि एक वाइबल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो भी ये नहीं निकाल के ला सकती है। तो एम्पिरिकल थ्योरी का थोड़ा सा अपोज करते हुए आप जॉन रॉल्स के बारे में बात करोगे तो एम्पिरिकल थ्योरी जो है उसने वैल्यू थ्योरी को कोई रिकग्निशन भी नहीं दिया, अगेन कि एम्पिरिसिज्म ने नॉर्मेटिज्म को कोई वैल्यू नहीं दी, नॉर्मेटिव थ्योरी को कोई वैल्यू नहीं दी, तो वैल्यू थ्योरी जो है वो पीछे रह गई। सिर्फ फैक्ट्स पे बेस करके आप कुछ भी एक थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स जो है वाइबल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी है उसको नॉर्मेटिव थ्योरी होना तो मस्ट है, वो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जॉन रॉल्स ने इस बारे में ही बात की है। तो रॉल्स जो है एक ऐसा नहीं कह सकते कि साइंस में और मॉरल थ्योरी या नॉर्मेटिव थ्योरी में एक इनकंसिस्टेंसी फाइंड करते हैं, वो चीज़ नहीं है। रॉल्स बेसिकली ये अटेम्प्ट करते हैं कि मॉरल थ्योरी जो है दैट इज़ मोर और लेस आइसोमॉर्फिक, मतलब कि नेचुरल साइंस जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही मॉरल थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, और मॉरल थ्योरी जो है वो उतना ही स्टैंड करता है ग्राउंड पे जैसे कि एम्पिरिकल नॉलेज करता है। तो दोनों का ही इक्वल लेवल पे यूज़ होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक वर्किंग मॉडल चाहिए थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स के लिए। तो दोनों का ही बैलेंस बनाने के बारे में यहाँ बात की है। ऐसा नहीं है कि आप साइंस को बिल्कुल ख़त्म कर दो या ऐसा नहीं है कि मॉरल थ्योरी को ख़त्म कर दो, दोनों के बीच का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम कंक्लूड करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एज अ होल को, तो पॉलिटिकल साइंस अगर आप प्लेटो के टाइम से स्टार्ट करते हो तो टाइम और प्लेस के हिसाब से इन्फ्लुएंस होता है। हमारा भी टाइम कोई अलग नहीं है, सिंस हमारे पास अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिशंस है पॉलिटिकल थ्योरी के, अलग अलग सब्सटैंशियल मेथोडोलॉजिकल कंसर्न्स भी आते हैं, और साथ ही साथ जो नेचर है पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स का वो भी ट्रेडिशंस के साथ साथ बदलता जाता है। तो जैसे जैसे पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो जस्टिफिकेशन या
ट्रूथ का वैलिडेशन क्लेम्स के साथ, ये सब चीज़ों के साथ जब डील करते हैं, तो थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है अलग अलग ट्रेडिशन की और जो मेथोडोलॉजी है अलग अलग एपिस्टेमोलॉजी फ्रेम्स की, एपिस्टेमोलॉजी की, तो ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स बनाती है. तो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स ऑल इन ऑल और जो कंसेप्चुअल एनालिसिस है डायलेक्टिकली रिलेटेड है. ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा अलग अलग व्यूज़ आएंगे अलग अलग ट्रेडिशन के साथ, थिंकर्स भी अलग अलग हो जाएंगे, थिंकर्स के अलग अलग व्यूज़ होंगे, वो सारी चीज़ें मिलके पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स शेप करती हैं, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स बनाती हैं. तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है प्लेटो के टाइम से ही टाइम और प्लेस के हिसाब से डिफ़र करता है, इन्फ्लुएंस करता जाता है. यहाँ पर आप वो पॉइंट ऐड कर सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ एंड व्हाट ऑट टू बी. तो ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम और प्लेस, सर्कमस्टांसेस, कॉजेज, ये सब चीज़ें बताती हैं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अप्रोचेस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की. तो ये अप्रोचेस हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में डिवाइड किए हैं. ट्रेडिशनल अप्रोच कौन कौन सी है ये हम पढ़ेंगे और मॉडर्न कौन कौन सी है ये पढ़ लेंगे. अब इसमें एक चीज़ और आती है कि कौन कुछ अप्रोचेस हैं जिन पे हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो हमें पढ़ने पड़ेंगे. कुछ अप्रोचेस ऐसी भी हैं जिसमें से क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा गया है, तो वो हम एंड के लिए रख सकते हैं, बट पढ़ना तो ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, तो पूछा जा ही सकता है, है ना. ऑल्सो दिस आर वेबसाइट synopsisize.in. यहाँ पर आप ऑप्शनल्स में जाओगे तो PSIR ऑप्शनल आपको मिल जाएगा यहाँ पर. तो PSIR ऑप्शनल का जो भी डिटेल आपको चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगी. ऑल्सो अगर आप लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी, और अगर नहीं भी कर रहे तब भी, तो यहाँ पर फ्री स्टडी मटीरियल है. तो PSIR ऑप्शनल का ये स्टडी मटीरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर सारे आपको मिलेंगे, रीअरेंज्ड हैं और बहुत अच्छे से रीअरेंज्ड हैं. तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. आपको ये पता लग जाएगा कौन सी यूनिट में से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कि कौन सी यूनिट जो है उसकी वेटेज ज़्यादा है, कौन सी यूनिट की वेटेज कम है. तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर.